नमस्कार, मैं हूं प्रिया। पटना न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पटना की 11 फटाफट खबरों को। अब राजधानी पटना में तालाबंद शौचालयों का पता लगाएंगे विभाग। राजधानी पटना में अब तालाबंद शौचालयों का पता लगाने की तैयारी हो रही है। विधान परिषद में कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से इसको लेकर बातचीत की है, जिसके तहत ही अवधेश नारायण सिंह ने यह साफ कहा है कि पटना में जिन सार्वजनिक शौचालयों में तालाबंद रहता है उनका पता लगाया जाए, इसको लेकर अधिकारियों को निरीक्षण करने का आदेश भी दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन परिषद में सभापति ने यह नियमन प्रेमचंद्र मिश्रा के उस पूरक सवाल पर दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के अधिसंख्य शौचालयों में तालाबंद रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने NMCH को दिए 8 वेंटिलेटर। बिहार में शिशु मृत्यु दर को कम करने की कवायद तेज कर दी गई है। इसके तहत ही स्वास्थ्य मंत्री ने बीते दिन NMCH को 8 वेंटिलेटर देने का काम किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शिशु विभाग को लेकर के विश्व का ये अत्याधुनिक मशीन सौंपा है, जिसके बाद ही उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि सूबे के सभी अस्पताल अत्याधुनिक मशीन से लैस होंगे, ताकि किसी भी रोग से आसानी से निपटा जा सके। बिहार में शिशु मृत्यु दर में कमी हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यूक्रेन से छात्रों के वतन वापसी का जारी है सिलसिला। रूस और यूक्रेन के बीच उत्पन्न हुए विवाद की आंधी में अब भारतीय छात्र भी प्रभावित नजर आ रहे हैं। दोनों देश के बीच छिड़े युद्ध का ही नतीजा है कि बीते 2 दिनों में भारत के 2 छात्रों की जान जाने की जानकारी निकल कर के सामने आई है। मामले की गहनता को देखते हुए ही बिहार सरकार भी यूक्रेन से बिहारियों को वापस लाने में लगी हुई है। सरकार की यह पहल रंग भी ला रही है, जिसके तहत ही तेजी से बिहार में छात्रों की वापसी हो रही है। भागलपुर दरभंगा के भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। इससे छात्र छात्रा के परिजन भी काफी चिंतित रहे थे, जिसके बाद ही बीते दिन की बात करें तो 48 छात्रों को वापस लाया गया है। पटना में 108 साल पुराने धोबी घाट पर चला बुलडोजर। बिहार की राजधानी पटना के बेली रोड के किनारे बने धोबी घाट को तोड़ने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है, जिसके बाद ही धोबियों का गुस्सा भड़क उठा है और वो सभी पटना की सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। साथ ही नाराज धोबियों ने यह ऐलान किया है कि अब से वो किसी भी नेता के कपड़े नहीं धोएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना जिला धोबीघाट बचाओ संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि पटना का ये धोबीघाट सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। इसका निर्माण 1914 में हुआ था। इसकी बिगड़ती और जर्जर स्थिति को सुधारने का वादा बिहार सरकार ने किया था, लेकिन बिहार सरकार इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। ठीक करने के बजाय घाट को तोड़ना ही शुरू कर चुकी है। पटना एयरपोर्ट पर अब उड़ेंगी इतनी जोड़ी फ्लाइट्स। विमान से सफर करने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पटना एयरपोर्ट से 50 जोड़ी विमानों के परिचालन का ऐलान किया गया है। इसका ऐलान नए फ्लाइट स्केड्यूल में ही हुआ है। यह स्केड्यूल 26 मार्च तक लागू रहेगी। इसके अनुसार पटना से चंडीगढ़ की भी सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। साथ ही पटना दिल्ली रूट में भी जोड़ी और हैदराबाद कोलकाता और बैंगलोर रूट में एक एक जोड़ी नई फ्लाइटें शुरू हुई हैं। शुरू होने वाली फ्लाइट में इंडिगो ने 5 जोड़ी फ्लाइट शुरू की है और इसी के साथ फ्लाइट की संख्या बढ़कर 18 से 23 हो गई है। इतना ही नहीं, स्पाइसजेट ने एक नई विमान सेवा शुरू की है और जिसके बाद ही इसकी संख्या बढ़कर 10 जोड़ी हो गई है। BSc नर्सिंग के छात्रों ने पटना में किया प्रदर्शन। बिहार में छात्रों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक मामला जैसे ही शांत होता है, छात्रों से जुड़ा दूसरा मामला मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा होता है। अभी छात्रों से जुड़ा मामला शांत भी नहीं हुआ था कि पटना में मेडिकल के अधीन आने वाले BSc नर्सिंग के छात्र ने सेशन लेट होने पर प्रदर्शन किया है। छात्रों ने बुधवार को पटना के सचिवालय के पास खूब विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सेशन लेट होने से हम लोगों का भविष्य अधर में लटका है। आपको बता दें कि BSc नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों ने कहा है कि बिहार के 3 मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं दिए जाने के कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। फर्जी फाइनेंस ऑफिस का हुआ भंडाफोड़। राजधानी पटना में बीते दिन एक फर्जी फाइनेंस ऑफिस का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ये एक साइबर अपराध के जरिए लोगों की कमाई पर डाका डालने वाली अंतरराज्यीय गिरोह है, जिसे ही पकड़ा गया है। पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने इस मामले के सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जो कि ये आरोपी 1 साल से लोन दिलाने के नाम पर देश के कई इलाकों के सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। हैरानी वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में 2 युवतियों को भी पकड़ा गया है। पटना के तख्त श्री पटना साहिब में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सिख के इतिहास में इसका विशेष महत्व है। देश दुनिया के सिखों के लिए ये विशेष आस्था का केंद्र है। सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने से यह संबंधित है। 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव में देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं। पर्यटन स्थल के तौर पर यह बेहद ही खूबसूरत है।
2023 तक बिहार के सभी विभाग हो जाएंगे पेपरलेस। राज्य के सभी विभागों को पेपरलेस करने की दिशा में अब कदम तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर साल 2018 से ही प्रयास जारी है। कोरोना संक्रमण के दौर में सरकारी विभागों को पेपरलेस करने के कार्य में कमी आई है। हालांकि इसके बावजूद अब तक करीब 10 विभाग और एक समाहरणालय पेपरलेस हो चुके हैं, लेकिन इसे गति देने के लिए बिहार सरकार का IT विभाग भी अब जुट गया है। प्रदेश के श्रम संसाधन और IT मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि फाइलों के ऑनलाइन होने के बाद काम ज्यादा दिनों तक रुके नहीं रहेंगे। विभाग में उच्च अधिकारी इसे देख सकेंगे कि कितने दिनों में फाइलों को रोका गया है। इससे एक समय सीमा और जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। राजधानी पटना में मिले कोरोना के 10 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जहां कुल मिलाकर 32 मामलों की पुष्टि हुई है, इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 246 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो यहां कुल मिलाकर 8 मामलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी पुष्टि 91,469 सैंपल की जांच के बाद हुई है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,780 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 52,090 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.93 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। वहीं अगर आज हम तापमान की बात करें तो अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पटना के किस ऐतिहासिक धरोहर को बचाए जाने की जरूरत है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। पटना की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।